नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए किसान भाइयों, आपको बता दें यहां पर हरियाणा में किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन सरकार का। आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कहां कहां हो रहा है विरोध प्रदर्शन, किसान कर रहे हैं आंदोलन। आज हरियाणा में हो रहा है चक्का जाम, आपको बता दें शुरुआत हो चुकी है। कृषि विधेयक पर प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर नजर आने लगे हैं हरियाणा के किसान, रोड जाम किए। दिल्ली चंडीगढ़ को छोड़कर सभी हाईवे होंगे जाम, आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पास कर देने के बाद हरियाणा के किसानों ने आज हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। आपको बता दें आज 12 बजे से ही आज किसान सड़कों पर दिखने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें 12 बजते ही रोड जाम करने शुरू कर दिए हैं। ये प्रदर्शन 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश भर में स्टेट हाईवे जाम रखे जाएंगे, सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली जीटी रोड को जाम नहीं किया जाएगा। आपको बता दें जाने कहां कैसे हैं हालात, आपको बता दें आपके सभी जिलों की ताजा अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें सिरसा जिले से बड़ी खबर आ रही है। सिरसा जिले के गांव पंजुगाना में नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों सैकड़ों की संख्या में हाईवे पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस हालांकि मौजूद है लेकिन वह किसी किसान को प्रदर्शन करने से रोक नहीं रही है, आपको बता दें। वहीं हिसार की बात करें, हिसार में हाईवे पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसान टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस टीम भी मौजूद है। किसान जगह जगह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जींद जिले की बात करें, जींद जिले के गांव अलेवा में किसानों व आढ़तियों ने मिलकर जींद असंद मार्ग को जाम कर दिया है। प्रशासन ने किसानों से जाम नहीं लगाने का आह्वान किया है लेकिन किसानों ने अधिकारियों की बात को नहीं सुना और मार्ग के बीच में बैठ गए। और फतेहाबाद जिले की बात करते हैं, फतेहाबाद में टोहना खंड के गांव कनहेड़ी व समेन में बस स्टैंड पर किसानों ने जाम लगाया। टोहना बस डिपो ने हिसार जाने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया गया है। सुबह रोहतक के लिए निकली बस जींद से वापस आई। वहीं भिवानी में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान मुंडाल पार्क में एकत्रित हो रहे हैं। जी हां किसान भाइयों, आप सभी के लिए अपडेट कैसी लगी? लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इंतजार करिए। धन्यवाद।